नमस्कार, मैं हूं वंदना राठौर और आप देख रहे हैं मृदुभाषी प्रदेश, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। दुनिया में सबसे ज्यादा खेले जाने वाले स्पोर्ट्स में से दूसरे नंबर पर मौजूद बैडमिंटन से भारत से एक और वर्ल्ड क्लास प्लेयर सामने आ रहा है। प्रकाश पादुकोण, पुलेला गोपी चंद, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, किताम्बी श्रीकांत जैसे टैलेंट देख चुके अपने देश में मध्य प्रदेश के धार जिले का एक 20 साल का युवक खेल का राइजिंग स्टार बन रहा है। नाम प्रियांशु राजावत है। शहर के ताल दरवाजा स्थित कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को महिला कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर महिला कांग्रेस की जिला प्रभारी आस्था तिवारी प्रमुख रूप से मौजूद रही। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि भाजपा के राज में प्रदेश भर में महिलाएं असुरक्षित हैं। आज गुरुवार को महापौर पुष्पमित्र भार्गव एक्शन मोड में दिखे। अपनी टीम के साथ उन्होंने वार्ड 74 का दौरा किया, साफ सफाई और कचरा गाड़ियों के आने जाने के समय को जाना, रहवासियों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को जाना। समय पर कचरा नहीं उठाने की शिकायत रहवासियों ने की। महापौर ने कहा कि जो भी अधिकारी कर्मचारी अपने काम में लापरवाही बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनावी साल में नेताओं की नाराजगी भाजपा को भारी पड़ रही है। विधानसभा चुनाव के पहले नाराजगी को कम करने के लिए बीजेपी जल्द ही सरकारी बैंकों में नेताओं को एडजस्ट करने जा रही है। इसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। नेताओं की कोऑपरेटिव बैंकों में नियुक्तियां खतरे में पड़ सकती है। उमरिया के गेहूं खरीदी केंद्रों के लिए विवाद और शिकायतों के निराकरण के लिए कलेक्टर ने नोडल अधिकारी को नियुक्त किया है। कलेक्टर डॉक्टर कृष्णदेव त्रिपाठी ने समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए जिला स्तरीय समिति उपार्जन से जुड़े सभी विवादों का अंतिम निराकरण करने और उपार्जित स्कंद की गुणवत्ता की निगरानी रखने के लिए अपर कलेक्टर KC बोचपे को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी अन्य खबरों के लिए मृदुभाषी प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।